सरस्वती विद्या मंदिर पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग द्वारा उद्यमिता विकास संबंधित एक प्रदर्शनी कॉलेज के हाल में लगाया गया, जिसमें बीएससी होम साइंस की छात्राओं ने हस्त निर्मित उपयोगी और खाद्य पदार्थों का स्टॉल लगाया, जिसमें छात्राओं ने अपनी कला कुशलता का परिचय दिया। प्रदर्शनी का अवलोकन करके कॉलेज की टीचर और स्टूडेंट ने छात्राओं की हौसला अफजाई की। इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रीना त्रिपाठी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कनक मिश्रा, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्राओं व डॉक्टर कनक त्रिपाठी, डॉक्टर प्रीति सिंह ने प्रदर्शनी के संबंध में बताते हुए कहा। क्या बनाया तुमने ये लैम्प? किस पर्पज से बनाया? मैम लाइट दिवाली दिवाली पाइप लैम्प। पाइप लैम्प से कैसे बनाया है? मैम पाइप स्ट्रॉस को कट करके कार्डबोर्ड के ऊपर लेजर से डेकोरेट किया। आपने खुद से बनाया है? कितनी कॉस्ट आपकी इसमें? 140। कितना बेनिफिट आपको हो रहा है? 20% का बेनिफिट। शिवानी पांडे, बीएससी फर्स्ट ईयर होम साइंस। हमारा उद्देश्य पढ़ाई के साथ साथ अच्छी अच्छी खाने की डिशेज और सबों के स्वाद के प्रति ध्यान रखने की उद्देश्य है, और इसके लिए हम ये नमकीन और ये खजूर और ये मूंगफली का चिक्की बनाए हैं, और यहाँ पे आंवले का लड्डू भी बनाए हैं। हम सभी के साथ के प्रति के ध्यान रख के ये प्रदर्शनी गृह विज्ञान विभाग द्वारा लगाया गया है। गृह विज्ञान विभाग के द्वितीय वर्ष की छात्राएं उद्यमिता विकास एक पेपर पढ़ती हैं, उसी विषय के अंतर्गत ये स्टॉल है, जिसको पूरा होम साइंस डिपार्टमेंट आज बहुत ही उत्सव की तरह मना रहा है, जिसमें हाथ से बनी हुई सारी सामग्रियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बहुत मेहनत किया है बच्चों ने इन सारी चीज़ों को बनाने में, तरह तरह के, दिवाली क्योंकि नज़दीक है तो दिवाली फेयर जैसा भी लग रहा है आज देख करके, और इसके अलावा बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो बच्चे अपने हाथों से अपने हुनर को दिखा रहे हैं, प्रस्तुत भी कर रहे हैं, और ये इनका एक प्रोजेक्ट वर्क भी है जिसमें ये प्रैक्टिकली एक सेलिंग प्रोसेस भी समझते हैं कि एक बिज़नेस अगर हमें करना हो तो कैसे हमारे दिमाग में आइडिया फॉर्मुलेट होगा, कैसे हम किसी एक छोटी सी आइडिया को लेकर के और एक अच्छा बिज़नेस प्लान कर सकते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। गृह विज्ञान डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसकी तैयारी करीब 2 से 3 महीने से हो रही है। बच्चे बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक चीज़ों के बारे में समझे हैं, उसको बनाए हैं, प्लस मतलब उनकी टोटल जो भी हैंडमेड आइटम है उस पर कितनी उनकी कॉस्ट लगी, प्लस उनका कितनी उनकी लेबर कॉस्ट इंक्लूड करनी, वो सब इंक्लूड करके फिर उसे जो है सेल वैल्यू पे जो है यहाँ पे वो सेल आउट कर रहे हैं टोटल सारा सामान। इसी के साथ साथ बच्चों ने दिवाली को भी ध्यान में रखकर के सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और पीछे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फूड आइटम भी बच्चों ने बनाए हैं, सब हाथ से बनी हुई, पूरी हाइजीन को ध्यान में रखते हुए हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम बच्चों द्वारा बनाए गए उसके प्रोडक्ट्स के तहत जो है यहाँ पे
चलाया जा रहा है। ठीक है, ये वन डे प्रोग्राम है और हर साल हम लोग इस प्रोग्राम को कराते हैं। इस साल भी जो है आज के दिन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है।